मनोज कुमार कह लीजिए या इन्हें भरत कुमार। मनोज कुमार ने अपने अभिनय से लोगों के दिल में देश के प्रति प्रेम का जज्बा बढ़ाया है। मनोज कुमार अभिनेता के साथ साथ शानदार स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर भी है। उन्होंने अपनी कई फिल्म को डायरेक्ट किया है जिसमें अभिनेता खुद भी थे, जिनमें से एक फिल्म थी उपकार। इस फिल्म में इन्होंने अभिनय भी किया और डायरेक्ट भी किया। इस फिल्म के लिए इन्हें कई अवार्ड भी दिया गया, जैसे बेस्ट अभिनय और बेस्ट डायरेक्शन के लिए। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 ब्रिटिश शासन इंडिया में इब्ताबाद में हुआ था। इनका नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी रखा गया। इनका अधिकांश जीवन बचपन का लाहौर में बीता। इससे पहले ये अपने पुश्तैनी गांव में भी रहे, जिसका नाम जंडियाला शेर खान, जो पाकिस्तान में शेखोपुरा में पड़ता है और आज भी वजूद में है। और आज ये सब इलाके पाकिस्तान के हिस्से में आता है। बंटवारे का दर्द लेकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए मनोज कुमार कैसे फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचे, उनका फिल्मी सफर कैसा रहा? मनोज कुमार जी मात्र 10 साल के थे जब भारत का विभाजन हुआ। मनोज कुमार के माता पिता पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ गए। किसी तरह मनोज के माता पिता पूरे परिवार के साथ दिल्ली के रेफ्यूजी कैंप में आ गए और काफी वक्त इनका यही गुजरा। रेफ्यूजी कैंप में रहने के दौरान इनकी मां और एक छोटा भाई बीमार रहने लगे। मां और भाई का इलाज के लिए 30,000 अस्पताल ले गए। चेक माता और भाई को उसी अस्पताल में भर्ती करा दिया। उस वक्त दिल्ली दंगों की आग से झुलस रही थी। जब भी दंगे भड़कते थे और इमरजेंसी सायरन बजती थी तो सभी डॉक्टर और नर्स हॉस्पिटल के बेसमेंट में जाकर छिप जाते थे। एक बार जब ऐसे ही सभी डॉक्टर और नर्स बेसमेंट में जाकर छिपे थे तो मनोज कुमार के भाई की तबीयत काफी बिगड़ गई थी। मनोज कुमार ने डॉक्टरों से बहुत विनती की कि उसके भाई की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, लेकिन डॉक्टर दंगों के डर से बेसमेंट में छिपे रहे। उनके भाई का इलाज नहीं कि मात्र 2 साल के इनके भाई ने दम तोड़ दिया। भाई के इस तरह से हुई मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाए। मनोज कुमार ने लाठी उठाई और हॉस्पिटल के बेसमेंट में किसी तरह घुस गए। इसके बाद बेसमेंट में छिपे डॉक्टर और नर्स को लाठी से पीटने लगे। जब ये बात इनके पिताजी को इस घटना के बारे में पता चली थी, उनके पिताजी ने मनोज कुमार को खूब डांटा, कसम खिलाई और भविष्य में कभी भी किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगे। इस घटना के बाद पिताजी के समझाने के बाद से मनोज कुमार ने उसके बाद से कभी भी किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा। राजकुमार का फिल्म इंडस्ट्री में आने की कहानी भी फिल्मों से कम नहीं और दिलचस्प है। एक दफा इनके रेफ्यूजी कैंप में दिलीप कुमार साहब की फिल्म दिखाई जा रही थी। फिल्म का नाम जुगनू। दिलीप कुमार के पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हुए। उस समय इनकी उम्र करीब 12 साल रही होगी। मनोज कुमार को दिलीप कुमार की पर्सनालिटी, एक्टिंग और स्टाइल ने दीवाना बना दिया था। कुछ दिन बाद मनोज कुमार दिलीप कुमार जी की एक और फिल्म देखते हैं। फिल्म का नाम था शहीद, जहां जुगनू फिल्म में दिलीप कुमार साहब के आखिरी में मृत्यु हो जाती है, शहीद फिल्म में भी आखिरी में दिलीप साहब की मौत हो जाती है। उस वक्त मनोज कुमार छोटे थे तो उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इंसान कैसे 2 बार मर सकता है। मनोज कुमार ने शादी अपने बचपन की दोस्त शशि से की। एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि जब वह दिल्ली रहते थे, वह पढ़ाई के लिए उनके एक दोस्त के घर पुरानी दिल्ली जाया करते थे और उसी समय उन्होंने शशि को पहली बार देखा था। कहा यह भी जाता है कि मनोज कुमार को जब फिल्मों में पहली बार हीरो का रोल ऑफर हुआ, तब शशि की सहमति के बाद ही मनोज कुमार ने फिल्मों में अभिनय करना स्वीकार किया। शुरुआत में उनकी फिल्में कुछ खास नहीं चली, लेकिन शशि से शादी के बाद उन्होंने पहली हिट फिल्म दी। फिल्म का नाम था हरियाली और रास्ता। फिल्म की हीरोइन थी माला सिन्हा। फिल्म की सफलता ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस वजह से मनोज कुमार शशि को अपने जीवन में लकी मानते हैं। इस शादी से उन्हें 2 बेटे हुए, कृणाल गोस्वामी और विशाल गोस्वामी। दोनों ने फिल्मों में हाथ आजमाया परंतु उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।